दोस्तों आज के इस आधुनिक युग में कई तरह के आविष्कार देखने को मिलते हैं जो हमारी लाइफ को काफी आसान बना देती है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही मशीनों के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सकता है और ऐसे डिवाइस जो हमारी लाइफ को बचा सकता है और एक ऐसा ड्रोन जो आपको हवा में भी उड़ा सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर एक पर है रोलर रेल। आप लोगों ने देखा होगा कि सड़कों के किनारे सरकार लोहे की बॉर्डर बनाती है ताकि एक्सीडेंट होने पर गाड़ियों को सड़क के बाहर जाने से रोका जा सके, लेकिन इन लोहे से बने बॉर्डर पर टकराने से कई बार पैसेंजर और गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचता है। इन्हीं नुकसान से बचने के लिए कोरिया की एक कंपनी ने रोलर रेल बॉर्डर को बनाया है जिसकी मदद से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इससे टकराने पर गाड़ी और कार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता और ड्राइवर भी सुरक्षित रहता है। इस आविष्कार की मदद से हर साल कई लोगों का जान बचाया जा सकता है। दूसरे नंबर पर है ओशियन क्लीनर। पूरी दुनिया में काफी मात्रा में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके कारण हमारे आसपास का पर्यावरण काफी प्रदूषित भी हो रहा है। आपको बता दें कि हर साल 2.4 मिलियन प्लास्टिक के कचरे समुद्र में फेंका जाता है जिसके कारण समुद्र का पानी काफी ज्यादा गंदा हो रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए नॉर्थ अमेरिका की एक रिसाइकलिंग कंपनी ने ओशियन क्लीनर नाम के इस मशीन को बनाया है। ये मशीन वेस्ट प्लास्टिक को कलेक्ट करके उसको रिसाइकल करती है। इस मशीन को पानी में भी चलाया जा सकता है। ये मशीन हर दिन हजारों टन प्लास्टिक को एकत्रित करके रिसाइकलिंग के लिए भेज देती है जिससे काफी मात्रा में पानी को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। ये मशीन कचरे को इकट्ठा करके उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज देती है। इस मशीन की मदद से काफी मात्रा में पानी को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। दोस्तों आपसे भी हमारी गुजारिश है कि आप भी ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग ना करें। तीसरे नंबर पर है एक्वाजेट। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मिट्टी से बने इस तरह के छत को साफ करना काफी मुश्किल वाला काम होता है जिसे साफ करने में घंटों समय लग जाते हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए इंजीनियर्स ने एक्वाजेट नाम के इस मशीन को बनाया है जो मिट्टी से बने इस तरह के छत को काफी कम समय में साफ कर देती है। मिट्टी से बने इस तरह की छत को काफी कम समय में साफ कर सकते हैं। इसमें प्रेशर से निकलने वाले पानी और ब्रश की मदद से इन छतों को साफ किया जाता है। इसमें लगे पाइप की मदद से इसे कंट्रोल किया जाता है और वाटर सप्लाई भी की जाती है। इस तरह की छतों को साफ करने के लिए ये सबसे बेस्ट मशीन है। दोस्तों आप किस तरह की घरों में रहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चौथे नंबर पर है हेक्सा। भविष्य में बहुत जल्द आपको इस तरह की मशीन देखने को मिलेंगे जिसे आप अपने घर के छत पर पार कर सकेंगे। हेक्सा एक ऐसा ड्रोन है जिसमें आप ट्रेवल भी कर सकते हैं। ये एक पर्सनल फ्लाइंग ड्रोन है जिसे अमेरिकी कंपनी लिफ्ट एंड क्राफ्ट ने बनाया है। ये मशीन 195 किलोग्राम का है। इस ड्रोन को बहुत आसान तरीके से जॉयस्टिक की मदद से हवा में उड़ा सकते हैं। इसमें बहुत सारे सेफ्टी सिस्टम भी दिए गए हैं जिसमें बैटरी खत्म होने पर ये ऑटोमेटिक नीचे उतर जाता है और जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए पैराशूट भी दिया गया है। इसे आप अपने आईपैड की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों आपने कभी प्लेन में सफर किया है या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पांचवें नंबर पर है लैंड पैक। ये मशीन दुनिया की सबसे मजबूत और भारी भरकम मशीन में से एक है। इस मशीन का इस्तेमाल सड़कों को बनाने के लिए किया जाता है। लैंड पैक की मदद से सड़कों को तेजी से बनाया जा सकता है। इस मशीन में काफी पावरफुल इंजन लगाया गया है जो इस मशीन को दुनिया की सबसे पावरफुल मशीनों में से एक बनाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल बेलन है। ये आम बेलन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसमें लगे बेलन का आकार 5 कोण वाले हथौड़े की तरह बनाया गया है जो सड़कों को अच्छी तरह से जमा सकता है। इस मशीन की मदद से सड़क काफी मजबूत और टिकाऊ बनती है और काफी लंबे समय तक टिकी रहती है। दोस्तों आपको इनमें से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा काम की लगी और इनमें से कौन सी मशीन को हमारे भारत में लाना चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।